जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर सैनिक, स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्पेशली आर्मी अग्निवीर का भी रिजल्ट जारी हुआ है और आपको संशय बना होगा कि रिजल्ट में किस किन बच्चों का नंबर आया, किन का नहीं आया और उसका फाइनल कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, क्योंकि आर्मी अग्निवीर में ऐसे तो सीधा रिजल्ट आउट होता नहीं है। लेकिन आप सबको पता, हमारी अकेडमी के राजस्थान से 60 बच्चे थे टोटल, ठीक है, 60 बच्चे पेपर दिए थे, जिसमें से लगभग 54 बच्चे, लगभग नहीं 100% ही 54 बच्चे पेपर पास कर चुके हैं, ठीक है, 100% 54 बच्चे पेपर पास कर चुके हैं। जो 6 बच्चे फेल हुए वो बच्चे फेल हुए जो बिल्कुल एक डेढ़ महीने पहले ही अकेडमी ज्वाइन किए थे। बाकी हमारा 100% रिजल्ट पिछली बार भी आर्मी में था, इस बार भी था। ये रिजल्ट का वीडियो भी मैं आपके सामने जल्दी लेके आऊंगा, जो जो बच्चे हमारी अकेडमी के पास हुए। तो जब इन 54 बच्चों का मैंने रिव्यू किया, और पिछली बार की कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि अकेडमी में पिछली बार भी हमारे जो लगभग 57 बच्चे पास हुए थे आर्मी में, और इस बार 54 बच्चे केवल राजस्थान से पास है आर्मी अग्निवीर का पेपर। आपने इंस्टाग्राम पे जो कमांडो अकेडमी का इंस्टाग्राम है वो जाके देख लीजिए, वहां पर सारे बच्चों की फोटो डाली हुई है, एक एक बच्चे की, तो आप पूरी की पूरी चेक कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर 5 से ज्यादा फोटो एक बार में नहीं डाल सकते, इंस्टाग्राम पे आप 10 पोस्ट एक साथ कर सकते हैं, और फेसबुक पे विराट चौधरी के नाम से मेरा पेज है, उस पर एक साथ डाली हुई है सारे बच्चों की, 54 के 54 बच्चों की, वहां पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन बच्चों से जब मैंने रिव्यू लिया, तो उससे मैंने अनुमान ये लगाया, यानी जो बच्चों की बात थी उसके आधार पे, कि जो इस बार आर्मी अग्निवीर का जो फिजिकल के लिए जो कट ऑफ गई है वो 35+ गई है, यानी जिस बच्चे के 35 क्वेश्चन सही है, जिस भी बच्चे के कम से कम 35 क्वेश्चन पेपर में सही है बिना नॉर्मलाइजेशन के, हाँ किसी को नॉर्मलाइजेशन में अंक मिले होंगे या नहीं मिले, क्योंकि ये उजागर नहीं होता आर्मी में, लेकिन अकेडमी के जितने भी बच्चे पास हुए उन सबका रिव्यू लिया मैंने, सब ने, किसी भी बच्चे ने ये नहीं बताया कि सर हमारे 35 से कम है। मैं कम से कम जो बच्चा बताया वो बताया था 37-38, कि गुरु जी 40 अटेंड किए थे, 45 अटेंड किए थे, 39 पक्के सही, 38 पक्के सही, ऐसे वाले जो बच्चे हैं उनका जब रिव्यू लिया, यानी जो फिजिकल के लिए जो क्वालिफाई हुए हैं, यानी जिन बच्चों ने 35 क्वेश्चन सही किए हैं वो सभी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, हाँ। साथ ही अगर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके 33 सही क्वेश्चन थे, उनकी शिफ्ट काफी हार्ड थी, तो नॉर्मलाइजेशन के अंक उनको मिलके और फिर वो पास हुए। अब बात यह आती है कि सर ये तो हमको ऑलरेडी पता नहीं है कि हमारे पेपर में नंबर कितने हैं, तो अगर तुम पास की कैटेगरी में हो तो 100% मान के चलना कि तुम 35 से तो ऊपर की हो, लेकिन अब फिजिकल में आपको अंक कितना लाए ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। देखिए, ये जो 100% सिलेक्शन वाली मैं बात कर रहा हूं ना, ये डिपेंड करती है कि आर्मी कितने पोस्ट पर वैकेंसी करी, अभी ये उजागर नहीं होता। तो आप कोशिश ये करिए, जब भी आपका फिजिकल है आप 100 नंबर का फिजिकल मारने की कोशिश करिए भाई, 100 नंबर का ही फिजिकल मारने की कोशिश करिए अगर आपके पेपर में 35 क्वेश्चन सही है। लेकिन यदि आपके पेपर में 45+ क्वेश्चन सही है, यानी आपको 100% कॉन्फिडेंस है, आप पास भी हो और आपको लगता है कि 45 से ऊपर मेरे क्वेश्चन सही है, उसके बाद अगर आप 88 का भी फिजिकल मारते हैं तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को ये कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनकी मेरा 45 सही है या 45 से नीचे सही है, तो यानी अगर आप 45 से नीचे हैं, यानी आप यहां है मान लीजिए कि 40 या 41-42 इतने क्वेश्चन आपके सही है, या 38-39, तो आप ये कोशिश करिए कि आप फिजिकल में बाजी मारिए और 100 नंबर का आपको फिजिकल करना ही करना है। अगर आप 100 नंबर का फिजिकल करोगे तो आपकी नौकरी पक्की है, नहीं तो 88 पे आपके चांस नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। दूसरी बात, कई ऐसे जेडआरओ है जिनकी रनिंग अभी बहुत लेट है, उन बच्चों को एसएससी जीडी को टारगेट करना चाहिए, अगस्त में एसएससी जीडी की भर्ती है उसको टारगेट कर लीजिए, बैठे नहीं रहना है, क्योंकि आपका पेपर पास हुआ है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, पिछली बार हमारी अकेडमी से जब पेपर पास हुआ था, लगभग 57 या 58 बच्चे थे जो पेपर पास हुए थे, लेकिन जो फाइनल ज्वाइनिंग किए थे, जो यानी फौजी बन गए थे, उनका आंकड़ा 33 से 34 बच्चों का है। 34 इसलिए बोल रहा हूं कि एक बच्चा भी लेटेस्ट ज्वाइन किया है डेढ़ एक महीने पहले, ये 34वां बच्चा, समझ गए। यानी अगर देखा जाए तो फाइनल में जाते जाते 7, 10 और 7 लगभग 24 से 25 बच्चे रह गए, यानी 60% के आसपास अभी जो पास हुए ना, इसमें से पूरा पूरा चांस है कि 60% बच्चे का सिलेक्शन, यानी 50% मान के चलो। तो पेपर पास हो गए, इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस कभी मत ले आना कि आप 100% सिलेक्शन,
लड़कियों में बता दूं, पिछली बार जैसे हमारी अकेडमी की चार लड़कियां पेपर पास हुई थी, चारों की चारों फाइनल मेरिट में रह गई थी, ठीक है, चारों की चारों रह गई थी, क्योंकि लड़कियों की पोस्ट बहुत कम थी। इसलिए पेपर पास हुए हो इसके चक्कर में पढ़ाई मत छोड़ देना, पढ़ाई करते रहना, एसएससी जीडी को टारगेट कर लेना, इस होश में मत रहना कि भाई हमारा तो पेपर निकल गया बस अब क्या। और हाँ, 100 नंबर का फिजिकल करने की कोशिश ही करना। घर पे तैयारी नहीं होती है तो आप अकेडमी आ सकते हैं, हमारी फिजिकल बैच चल रहा है आर्मी का बड़े जोरों से। अगर आपके पास में 1.5-2 महीने का भी समय है तो भी आपकी रनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप रनिंग वाले वीडियो भी देखते होंगे कमांडो अकेडमी फिजिकल पे, ठीक है। तो रनिंग, और अगर आप घर पे कर सकते हैं तो घर पे भी करिए, कोई संदेह नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि आप कहीं और कॉन्फिडेंस मत ले लेना कि पेपर पास हो गया इसका मतलब सिलेक्शन हो गया, नहीं। इसके बाद में भी आपकी रनिंग बाकी है और इम्पोर्टेंट मेडिकल बाकी। मेडिकल भी बहुत हार्ड होता है आर्मी का, ये आपको भी पता है, ठीक है लाडलू। जय हिंद, जय भारत।